नमस्ते दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल के कस्टम URL को कैसे चेंज कर सकते हैं बेहद आसान तरीके से। यदि आप लोग दोस्तों अपने कस्टम URL को चेंज करना चाहते हैं तो हमारी स्टूडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, इससे पहले दोस्तों जान लो कि आप यदि आपके चैनल के कस्टम URL अभी तक आपने सेटअप नहीं किया है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर इसे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग अपने कस्टम URL को चेंज करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो पूरा लास्ट बनी रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैं एक एक स्टेप आपको सारे अच्छे से समझाकर बताऊंगा और एक बेहद आसान तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे चेंज करने के लिए दोस्तों मैं आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में चले जाना है और वहां पर दोस्तों जाकर अपने YouTube चैनल को डेस्कटॉप साइट मोड पे ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में ले जाकर आपको बेहद आसान तरीके से समझाकर आपको दिखाकर भी आपको लाइव प्रूफ दिखाकर आपको चेंज करके दिखाता हूं और नए कस्टम URL चेंज करके दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन ले जाते हैं और वहां से आपको दिखाते हैं कि कैसे इसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ से खोल लेना है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों, आपको यूट्यूब को डेस्कटॉप साइट मोड पे इसे ओपन करना है। यह मेरे पहले से था, तो दोस्तों डेस्कटॉप साइट मोड पे नहीं रहेगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इस प्रकार से दिखाई देगा दोस्तों, आपको डेस्कटॉप साइट में यहाँ से क्लिक करके इसे डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या दिखाई देगा, कोने पर आपका चैनल का DP दिखाई देगा, तो आपको वही प्रोफाइल को टिक करना है कोने का। उसके बाद जस्ट नीचे दोस्तों आपको योर चैनल करके दिखाई देगा, तो उसे टच कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, कस्टमाइज चैनल को आपको सिलेक्ट करना है। आपका चैनल खुल चुका है यहाँ पर। उसके बाद कस्टमाइज चैनल को खोलने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप ओपन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमारा डेस्कटॉप ओपन हो गया है। उसके बाद दोस्तों, यहीं पर आपको रहने देना है। उसके बाद देखिए, ऊपर पे बेसिक इन्फो करके लिखा आएगा, तीसरे नंबर पे, यहाँ पे कोने पे है दोस्तों बेसिक इन्फो ऐसा करके लिखा रहा है, देखिए। तो आपको इसी वाले में सेक्शन में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर URL आपका दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, नीचे देखिए URL दिखाई दे रहा है। उसके जस्ट नीचे दोस्तों आपको डिलीट करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसी को आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे आ जाना है, सबसे नीचे। फिर नीचे आने के बाद दोस्तों, आपको अबाउट करके लिखा आ रहा है। यहाँ पर देखिए, हमारा कस्टम URL यहीं पर शो हो रहा है, तो हमें इसे ही क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर रिमूव करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको रिमूव कर लेना है अपने कस्टम URL को, तभी दोस्तों हम यहाँ से एक नई URL बना पाएंगे रिमूव करने के बाद। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आकर देखना है कि हमारा URL रिमूव हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा URL रिमूव हो गया है अबाउट सेक्शन में। उसके बाद दोस्तों, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है, फिर से आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर रिमूव हो गया है। यहाँ पर फिर से एक नए URL बनाने के लिए ऑप्शन आ गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको फिर से एक नए URL बना लेना है, यहाँ से इसे क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों, इसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ये एक नए बनाने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आप खुद से एडिट करके बनाना चाहते हैं या ऑटोमेटिक आपका चैनल का नाम लेकर क्रिएट कर लेता है वही वाला। तो मैं दोस्तों ऑटोमेटिक से क्रिएट करता है वही वाला ऑप्शन को, दूसरे नंबर पे है, उसी को मैं टिक कर लूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे टिक कर लूँगा, क्योंकि दोस्तों मुझे यही वाला ऑटोमेटिक वाला ही चाहिए जो मेरे चैनल को पहले से सेलेक्ट करके बना लेता है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन टिक लग गया है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना URL सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर ऐसे ही ग्रीन टिक लगना चाहिए दोस्तों, तभी आपका URL सेलेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों, मुझे यही वाला चाहिए, तो अब मैं इसे पब्लिश करना चाहता हूँ। तो यहाँ से पब्लिश को ऑप्शन दबाऊंगा, उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर दूँगा कि हाँ, मुझे यही वाला URL चाहिए। तो यहाँ से मैं कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में देखिए दोस्तों, यहाँ से मेरा पब्लिश हो गया है। यहाँ पर बोल रहा है गो टू चैनल, तो वहाँ अपने चैनल में जाकर देख सकते हैं ये वाला URL सेलेक्ट हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपना URL चेंज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सारी बात समझ गए होंगे। आई होप दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कस्टम URL को चेंज करना सीख गए होंगे। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। और दोस्तों, मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो आप दोस्तों हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।